आइए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से कौन कौन सी लाइनों से आज तक क्वेश्चन आया और कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए घूम घूम के, मतलब ऑप्शन का क्वेश्चन में क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया। और इसके साथ साथ हम रिकैप ले लेंगे पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनों का। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में फर्स्ट पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड पेज पेज नंबर 47 से 2010 में क्वेश्चन आया कि सिंगल ओपनिंग, अगर भाई माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग, वही माउथ की तरह भी काम कर रही है, वही एनस की तरह भी काम कर रही है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद इस पेज से कोई सवाल नहीं, पेज नंबर 48 से आज तक कोई सवाल नहीं आया। पेज नंबर अब आते हैं हम लोग 49, पहला फाइलम पोरीफेरा। देखो इतने सारे फाइलम है, इतनी सारी लाइनें हैं, पर कौन सी लाइन जो क्विक रिकैप में आपको रिवाइज करनी है वो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोरीफेरा से लाइन आई 2005 में, दे आर जनरली मैराइन, पोरीफेरा जनरली मैराइन होते हैं। 2021 में वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाया जाता है, आपका पोरीफेरा, याद रखिएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद 2017 में लाइन आई क्वानोसाइट या कॉलर सेल, लाइनिंग बनाते हैं स्पंजोसील की और कैनाल की। और 2015 में ये लाइन पूछी गई कि आपका पोरीफेरा का डेवलपमेंट डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, तो हमें पता है इनडायरेक्ट क्योंकि इसमें लार्वा बनता है। अच्छा एग्जाम्पल इसके तीनों इंपॉर्टेंट है, 2006 2012 में पूछा गया, साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा, यू स्पंज या बात स्पंज, स्पॉन्ज जिला फ्रेश वाटर स्पंज। अब बात करते हैं दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, निडेरिया नाम जो इसका आया वो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट की वजह से आया, और जिनके अंदर आपके नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो उनके टेंटिकल और बॉडी पे पाए जाते हैं। ये लाइन पूछी गई 2005 2020 2021। अच्छा डायग्राम से पूछा गया, 2011 में ऑरिलिया का डायग्राम देकर पूछा था, और ऑरिलिया जो कि आपका मेडुसा मेडुसा फॉर्म दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 2015-2021 में दो बार ये लाइन आई कि दोज निडेरिया विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, अर्थात पॉलिप भी और मेडुसा भी, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाजेंसिस एग्जाम्पल ओबेलिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की 2019-2021 में फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर पूछा गया, 2006 में पूछा गया पिनाटुला दैट इज सी पेन। इसके बाद बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा पर, अगर हम फाइलम टीनोफोरा की बात करें तो 2014 में क्वेश्चन आया, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट या कॉम जेलीज, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। 2019-2021 में क्वेश्चन आया कि इनकी बॉडी पर एक्सटर्नल रोज ऑफ 8 रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लीट पाई जाती है जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। 2020 में आया बायोल्यूमिनेंस कौन शो करता है, आपका टीनोफोरा। 2013 में क्वेश्चन आया किसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअली होता है, टीनोफोरा। इसके बाद 2019 में इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्लीरोब्रैकिया पूछा गया। इसके बाद बात करते हैं अगला फाइलम, फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस। फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस से अभी तक दो लाइनें उठाई और एक एग्जांपल उठाया है। 2019 में फ्लेम सेल जिसका दूसरा नाम सोलेनोसाइट है या इसी को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ये आपको ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद कराता है प्लेटी हेलमेंथीस में, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन। इसके बाद 2014 में क्वेश्चन आया प्लेनेरिया शो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, टीनिया दूसरा नाम, टेपवॉर्म 2019 में आया। अब अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो डायग्राम में टेपवॉर्म का डायग्राम अभी तक पूछा गया है 2011 में। इसके बाद बात करते हैं बेटा फाइलम एस्केल्मेंथीस में, फाइलम एस्केल्मेंथीस में फीमेल का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये शार्पली कर्व्ड होता है, शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर पार्ट होता है, 2011 में पूछा गया डायग्राम से। 2011 में आई ये लाइन कि इनमें ये आपके डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल देखने में अलग होते हैं, फीमेल लंबी होती है और मेल छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल में आज तक सिर्फ एक बार पूछा गया एंकाइलोस्टोमा, दूसरा नाम हुकवॉर्म 2021। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा की अगर हम बात करें 2007-2016 में लाइन आई कि नीरिस के पास जो लेटरल अपेंडिजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो स्विमिंग में मदद करते हैं, नीरिस एक्वेटिक है तो सीधी बात है स्विमिंग करेगा। 2008 में आया कि एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड, और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम भी किसमें बना था बेटा, एनालिडा। 2003 में बच्चों पूछा गया अर्थवॉर्म और ईल, ये आपके मोनोशियस होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फाइलम आर्थोपोडा, फाइलम आर्थोपोडा में 2022 में आई लाइन कि बॉडी इसका बॉडी ऑफ आर्थोपोड, आर्थोपोडा की बॉडी के ऊपर पाया जाता है आपका काइटनस एक्सोस्केलेटन जो कि आपका एक पॉलीसेक्राइड है। 2008 में आई कि इनकी बॉडी कितने पोर्शन में बटी होती, 3 हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 2007 में लाइन आई कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, आर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। 2019 में इसका एक्सक्रीशन पूछा गया कि आर्थोपोडा एक्सक्रीशन किससे करते हैं, मेलपीगियन टिब्यूल।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 2019 में इसका एग्जाम्पल आया बॉम्बिक्स, दूसरा नाम सिल्क वॉर्म, 2020 में ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट, 2021 में लिविंग फॉसिल ल्यूमलस, गिंको भी लिविंग फॉसिल था याद करिए, ल्यूमलस का दूसरा नाम किंग क्रैब। इसके फिगर की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियन का फिगर आया 2011 में। अब बात करते हैं मोलस्का की, मोलस्का में आपका 2019 में आया कि मोलस्का के माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाए जाते हैं कुतरने के लिए, जिसकी मदद से वो फीडिंग करता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेडुला डायग्राम। 2011 में ऑक्टोपस का पूछा गया। इसके बाद बात करते हैं पेज नंबर 54, मोलस्का जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, 2008 में पूछा गया। एग्जांपल की अगर हम बात करें मोलस्का के, एग्जांपल देखिए कितनी बार रिपीट हुए, 2006, 2012, 2013, 2019, 2021, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टडा, परलोएस्टर, सीपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड। इसके बाद बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा, 2012 में आया कि स्पाइनी बॉडीड होते हैं इनके, ये आपके स्पाइनी बॉडीड होते हैं इस वजह से नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। इंडोस्केल्टन कैल्केरियस ऑस्केल का बना होता है। 2014 में आया कि इनके सारे मेंबर आपके मेराइन होते हैं, जैसे आपके टीनोफोरा के सारे मेंबर मेराइन थे। और 2020 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री क्या होती है, रेडियल, लेकिन इनके लार्वा की क्या होती है, बाइलेटरल। 2021 में आया वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किसका डिस्टिंक्ट फीचर है इकाइनोडर्मेटा, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा। 2008 में आया फर्टिलाइजेशन, इनका एक्सटर्नल होता है। अब इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 2003-2019 में इनके एग्जांपल पूछेगा इकाइनिस सी अर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। हेमी कॉर्डेटा से देखिए आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अच्छा, अब बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर पूछे थे, नोटोकॉर्ड का होना, उसके साथ साथ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होना। ये क्वेश्चन आया आपका 2010 में। इसके बाद बेटा ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट को लेकर जो दिया है। कॉर्डेट में 2008-2020 में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा, और नॉन कॉर्डेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, जैसे हम अर्थ फॉर्म का देखे थे। इसके बाद 2007 में आया हर्ट आपका कॉर्डेट का किधर होगा, वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट का डॉर्सल, पोस्ट एनाल टेल कॉर्डेट में होगी और नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होगी। बेटा यहाँ जो इतनी लाइनें हैं, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा होगा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से लेकर यहाँ एडल्ट तक, अच्छे से देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ एडल्ट तक अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आए हैं चार, तो इन दो पैराग्राफ से चार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2006, 2011, 2014, 2020। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में आपका जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में होती है, वहीं पर सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होती है और थ्रू आउट लाइफ होती है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा में होती थी, क्लियर। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सेस और दूसरा नाम इसी का क्या है, लैंसलेट। इसके बाद 2022 में आया ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसके बाद पेज नंबर 56 में ए गैना था, जिनके पास जॉ नहीं हो, जबड़े ना हो, 2009 में ये आई लाइन। इसके बाद साइक्लोस्टोमेटा में देखिएगा, साइक्लोस्टोमेटा में शुरुआत की जो आपकी छह लाइनें हैं उनसे क्वेश्चन आए चार बार, 2013-2015-2016-2020, 13-15-16-20। साइक्लोस्टोमेटा की जितने भी मेंबर हैं किसी ना किसी मछली पर एक्टोपैरासाइट है, 6-15 पेयर गिल स्लिट्स होती हैं, इनका सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है और इनमें इनके माउथ में जबड़े नहीं होते हैं, स्केल और पेयर्ड फिन्स डिवॉइड होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर 2015 की बात करें, साइक्लोस्टोमेटा मेराइन होती है लेकिन ये फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने जाती है और रिटर्न होने के दौरान माँ की मौत हो जाती है। कॉन्ड्रियोसिस की शुरुआती दो लाइन से तीन बार क्वेश्चन आया कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और मेराइन होते हैं, और कॉन्ड्रियो का मतलब ही होता है कॉन्ड्राइटिन साल्ट रिलेटेड टू कार्टिलेज। तो 2011-2014-2016 में ये दो लाइन शुरू की पूछी गई। अब आते हैं पेज नंबर 57 पर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, हमें पता है इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पिडो के पास है, 2014 में पूछा गया। पॉइजन स्टिंग है ट्राइगन के पास, 2020 में पूछा गया। 2011 में मेल में पेल्विक फिन के पास क्या, मेल में जो पेल्विक फिन्स होते हैं उस पर क्या पाए जाते हैं, क्लैस्पर्स। इसके बाद ऑस्टियोआइस्थीस से अभी तक एग्जाम्पल कभी नहीं पूछा गया है आपका, ये दोनों लाइन पूछी गई है 2012-2013। दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल विच आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम ढक्कन ऑन ईच साइड। 2020 में एयर ब्लैडर इनके पास मौजूद होता है, इस वजह से ऑस्टियोआइस्थीस को लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं होती, कॉन्ड्रियो को होती, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं एग्जांपल आया नहीं तो आ नहीं सकता, हम इसके माध्यम से पूरे पीवाई को पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन 40% कवर कर रहे हैं, गॉट इट। 60% के लिए तो हम पूरा देखना ही पड़ेगा इधर, लेकिन अब पूरे में भी पता होना कि कौन है जो लाइन बिल्कुल दिमाग से उतरी ना भैया। एम्फीबिया की अगर हम बात करें, 2011 में आया टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, 2013 में आया एलिमेंट्री कैनाल, यूनेरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, क्लोइका अल्टीमेटली बाहर निकाल देती है चीज़ों को। एम्फीबिया का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
तो एग्जांपल 2013 में आईसीटी ऑफिस का आया था लिम्बलेस एम्फीबियन। इसके बाद बात करते हैं पेज नंबर 58 पर आते हैं क्लास रिप्टाइल्स पर। अगर हम रिप्टाइलिया की बात करें तो इनकी बॉडी पर कॉर्निफाइड आपकी इनकी जो बॉडी है कवर्ड होती है आपकी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से और उसे हम एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स कहते हैं। 2013 में पूछा गया, 2011, 12, 13 तीन बार ये तीन लाइन से क्वेश्चन है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर, रिप्टाइल थ्री चैम्बर हर्ट, क्रोकोडाइल में लेकिन फोर चैम्बर एक्सेप्शन है और रिप्टाइल आपके क्या है पॉइक्लोथम अर्थात कोल्ड ब्लडेड फिश एम्फीबियन रिप्टाइल कोल्ड ब्लडेड बाकी बचे वार्म ब्लडेड। अब बात करते हैं एवीज पर। एवीज में 2015 में लाइन आई कि फोर विंग मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में और हाइंड लिंब पर आपकी स्केल्स पाई जाती हैं और हाइंड लिंब की मदद से ये चाहे वॉक करे स्विम करे क्लैश करे किसी चीज को पकड़े। स्किन इनकी ड्राई होती है बगैर किसी ग्लैंड के लेकिन एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है इनके पास अर्थात टेल के बेस पर। अब 2016 में अगली लाइन आती है इंडोस्केलेटन इनका फुली ऑसिफाइड है और 2021 में उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए द लॉन्ग बोन आर हॉलो विद एयर कैविटी अर्थात न्यूमेटिक बोन किसमें पाई जाती है एवीज में जो उड़ने में मदद करेगी हल्कापन होगा। 2022 में आया कि डाइजेस्टिव ट्रैक में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। 2010-2018 में लाइन आई कि दे आर वार्म ब्लडेड सीधी बात है फिश एम्फीबियन रिप्टाइल कोल्ड ब्लडेड बाकी बचे वार्म ब्लडेड। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें 2015 में आया कि एयर सैक जो है लंग से कनेक्टेड होते हैं जो कि मदद करते हैं सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में। मैमेलिया की अगर हम बात करें तो मैमेलिया के कैरेक्टर पूछे गए थे मैमेलिया के पास मेमोरी ग्लैंड होती है 2015 में पूछा गया और वही सेम स्टेटमेंट वाइज पूछा था दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स इनके दो पेयर ऑफ लिम्स होंगे। इसके बाद अगर हम मैमल्स की बात करें मैमल्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी की मैमल की बॉडी पर हेयर होंगे एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना पाया जाएगा। 2012-2016 में आया ओवीपेरस का एग्जांपल और ऑर्निथोरिंकस दूसरा नाम प्लेटीपस। बेटा पेज नंबर 60 में क्लास में भी कहता हूं कि बेटा एनिमल किंगडम की शुरुआत ही पेज नंबर 60 से होती है। अच्छा पेज नंबर 60 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल देखो एकदम मोटा मार्क किया हुआ है कितनी बार क्वेश्चन आए भाई साहब इससे 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 में दो सवाल आए इस टेबल से 2009, 2010 में चार सवाल बनाए गए इस टेबल से 2011, 2012, 2013 में दो सवाल बनाए गए इस टेबल से 2016, 2019, 2020, 2021 एंड एक्सपेक्टेड टू बी दिस ईयर ऑल्सो। अब मेरी बात सुनना ये टेबल मैंने सबसे पहले आपको आते ही याद कराई थी याद करिए पोरीफेरा सेलुलर सिलेंटेड टीनोफोरा टिश्यू प्लेटियल मेंथिस ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बाकी बचे ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकल उसको हटाओ सिलेंटेटा हो गया टीनोफोरा हो गया एकनोडर्मेटा रेडियल बाकी बचे बाइलेटरल। इसके बाद सीलोम की बात करें तो एस्कल मेंथिस सुडोसिलोमेट ऊपर वाले एसिलोमेट नीचे वाले सीलोमेट। इसके बाद सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन आपका एनालिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा बाकियों में क्या था अब्सेंट इन्हीं तीन में क्या था प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको कहा था प्लेट लेके खड़ा था प्लेटियल मेंथीस अगले फाइलम का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर दिया गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया आपका एस्केल मेंथीस में सर्कुलेटरी पहली बार बना एनालिडा में रिस्पायरेटरी पहली बार बना आपका आर्थोपोडा में। इस तरीके से हमने कंप्लीट एनिमल किंगडम देख लिया कौन कौन सी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें थी। सो गाइस दिस इज साहिल सिद्दीकी थैंक यू धन्यवाद।